नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारत सूरज। सियासत में हम पहुंच गए हैं दमोह। दमोह लोकसभा क्षेत्र का ये बस स्टैंड चौराहा है और यहीं से हम आगाज कर रहे हैं जनता के मूड को समझने की, जनता के सवालों को समझने की। नेताओं से भी हम बातचीत करेंगे, उनसे जवाब तलब करेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको, सब कुछ दिखाएंगे आपको। दमोह लोकसभा क्षेत्र जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, चुनाव का आगाज कर चुके हैं। क्या है इस लोकसभा क्षेत्र का समीकरण, क्या है यहां की सियासत, पहले ये जान लीजिए इस शानदार रिपोर्ट में, फिर आपको बताएंगे दमोह लोकसभा क्षेत्र का मूड। दमोह लोकसभा सीट बुंदेलखंड की अहम सीट, जिसका अपना सियासी मिजाज है। कहने को 35 साल से ये सीट बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इसकी तासीर कुछ ऐसी है कि पार्टी का गढ़ होने के बाद भी कोई नेता लंबे समय तक सियासी पारी नहीं खेल पाया। यहाँ के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो अब तक कुल 15 लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी 9 बार, कांग्रेस 5 बार जीती। जनता पार्टी ने एक बार परचम फहराया। रामकृष्ण कुसमरिया सबसे ज्यादा 4 बार सांसद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल 2 बार सांसद रहे। दमोह लोकसभा में 8 विधानसभा सीट शामिल हैं। 7 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं, 1 पर कांग्रेस के। दमोह लोकसभा सीट का जातिगत समीकरण बेहद खास है। यहां ओबीसी वोटर्स का दबदबा है। इनमें से लोधी समाज की तादाद सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि इस बार पार्टियों ने लोधी समाज के प्रत्याशियों को ही मौका दिया है। कुल 17,69,101 मतदाता, पुरुष मतदाता 9,32,788, महिला मतदाता 8,36,288। ओबीसी वोटर्स निभाते हैं निर्णायक भूमिका। करीब 2,67,000 लोधी समाज के वोटर्स, करीब 2,30,000 कुर्मी पटेल मतदाता, 1,50,000 से ज्यादा ब्राह्मण मतदाता। दमोह में लोधी और कुर्मी मतदाताओं का गठजोड़ 17,00,000 वोटर्स पर भारी पड़ता है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी लोधी, साथ ही दोनों का राजनीतिक इतिहास इसे बेहद खास बनाता है, क्योंकि दोनों ही पहले कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके हैं। बीजेपी ने कांग्रेस से आए राहुल लोधी को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने बंडा से विधायक रहे तरवर सिंह लोधी को मैदान में उतारा है। सियासी समीकरण दिलचस्प है और इसी सियासत को विस्तार से समझने के लिए हमने दमोह का रुख किया। दमोह में चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी भी आगाज करके चले गए, किधर जा रहा है दमोह, हवा किधर देख रहे हैं आप? हवा बीजेपी की तरफ जा रही है। हैं? हाँ। क्यों जा रही है सर, हर बार बीजेपी क्यों? हर बार बीजेपी इसलिए कि विकास हो रहा है दमोह में। जिधर देखो, भले कुछ पुरानी सरकारों की वजह से नहीं हो पाया, हाँ। लेकिन अब विकास हो रहा है दमोह में मोदी जी की वजह से, हर जगह। हर जगह, हाँ। आपको लग रहा है विकास हो रहा है? हो रहा है सर, विकास हो रहा है क्या दमोह में? वो कह रहे हैं कि दमोह में विकास हो रहा है इसीलिए बीजेपी आएगा। बिल्कुल हो रहा है सर, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब दमोह में भी राम नाम का जयकारा है। अरे स्थानीय मुद्दा नहीं है कुछ क्या? स्थानीय मुद्दे जो थे वो बीजेपी सरकार है ना, जो वो धीरे धीरे सब खत्म करती जा रही है। जो हमारे सदियों से मुद्दे चले आ रहे थे, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, वो हमारे गाँव में भी हम लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जा रहा है। आज हमारे गांव में, मतलब पिछले जो कई साल से हम देखते आ रहे हैं, पानी के लिए लोग दर दर भटकते थे। आज आप देखने जाओगे मेरे गांव में तो पानी के टैंक बनवाया है मोदी जी ने, बहुत बड़ा। क्या काम किए दमोह में, क्या काम किए मोदी जी दमोह में? क्या, सब जगह ही तो चल रहा है काम ही काम। लेकिन चुनाव की बात अगर आप कहें कि 400 पार, तो 400 पार माने 400 पार, बात खत्म, उसके बाद और कुछ ही नहीं। भाई तुम तो युवा हो यार, थोड़ा हमको चुनाव का मतलब थोड़ा अलग तरीके से समझाओ। बस स्टैंड चौराहे पे हम लोग कह रहे थे, देखिए ना बस स्टैंड का भी जीर्णोद्धार नहीं हुआ, हालत कैसा है, लेकिन लोग के जुबान पे ये नहीं है मुद्दा है, लोग कह रहे हैं ये होगा मुद्दा, लेकिन चुनाव तो जा रहा है बीजेपी की तरफ, लग रहा है तुमको भी? बस स्टैंड एक चुनावी मुद्दा बन सकता है, लेकिन अभी फिलहाल में नहीं है। माहौल जो चल रहा है बीजेपी का चल रहा है। हाँ, रोजगार दे रहा है बीजेपी? रोजगार ना बीजेपी दे रही है युवाओं को, ना कांग्रेस दे रही है। और हम जो युवा है ना, ये घोटाले में घिरते जा रहे हैं। हर पेपर देते हैं, घोटाले होते हैं, और रिजल्ट वैकेंसियां सब ऊपर की ऊपर बिक जाती हैं, युवाओं का कुछ नहीं हो रहा है। राहुल लोधी पहुंच जाएंगे क्या संसद? हाँ पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार कौन है यहाँ से? अब कांग्रेस का उम्मीदवार तो अभी फिलहाल अभी कोई नहीं आ रहा समझ में।
नहीं पता आपको नाम? नहीं नहीं मेरे को नहीं, राजनीति में ज्यादा नहीं पड़ता यार मैं। तो वोट कैसे दीजिएगा राजनीति में? नाम नहीं पता कीजिएगा तो वोट कैसे दीजिएगा मालिक? राहुल दीदी वो तो मोदी जी को जाएगी। हाँ? हाँ? क्यों जाएगा मोदी जी को? अब मोदी अच्छे काम करा रहे हैं, विकास भी हो रहा है। क्या विकास आपको दिख रहा है दमोह में? बहुत सारा विकास है। लोग तो कह रहा था हमको कि ये वो फैक्ट्री बना है सीमेंट का तो कांग्रेस ही बनवाया है, बीजेपी तो बनाया ही नहीं कुछ। नहीं तो और भी तो फैक्ट्री बनने जा रही है, बस स्टैंड भी नया बन रहा है, रोजगार भी मिलेगा आदमी लोगों को, मतलब हर चीज हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। शहर है ये, बस स्टैंड चौराहा है। हम पूछ रहे हैं कि मुद्दा है कुछ की नहीं है, कैसे चुनाव हो जाएगा? बेरोजगारी है टोटल यहाँ पर, ना कोई रोजगार ना कोई नेता वर्ग कर रहा है कुछ। अब देखिए आप स्टैंड की हालत देखिए, यहाँ पर पेशाब घर भी है तो उसमें आप देखिए तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक ट्राली तो उसमें कचरा निकलेगा। यहाँ का मुद्दा प्याऊ नहीं खुली है, जे प्याऊ खुली है तो ये सीजन वाली है, परमानेंट वाली कोई प्याऊ है नहीं है। पानी पीने वाली व्यवस्था जो थी व्यवस्था नहीं है। हाँ। बैठने को अब स्टैंड जो है तो ऐसा सड़ा स्टैंड है कि ऐसा स्टैंड हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं होगा। अब ये बताइए विकास के नाम पे हमारे दमोह में कोई ऐसा स्थान नहीं है जिससे गरीब जनता पल रही हो। हम पूछ रहे हैं कि मुद्दों पर वोटिंग होती है कि नहीं होती है? मुद्दों पर क्यों नहीं होती? क्योंकि विकास चाहिए जनता को। हाँ। और दमोह का विकास है नहीं है। हाँ। क्योंकि हम लोग जो हैं ऑटो वाले। हाँ। आज ऑटो के लिए कोई ऐसा रूट नहीं बना है। हाँ। कि आप इस रूट पे चलिए। हाँ। या तीनों क्षेत्रीय स्टैंड होना चाहिए दमोह में अलग अलग। बड़ा बड़ा नेता लोग है ये लोग, तो अगर मान लीजिए जैसे भाई साहब हमको बताया इतना सारा मुद्दा है, इतने साल लग गए फिर भी ये मुद्दा तो ज्यों का त्यों है, लेकिन बीजेपी तो मान लीजिए यहाँ से जीत के जाती ही रही है, बहुत लोग कह भी रहे हैं विकास हो रहा है, तो फिर इतना अंतर क्यों? विकास तो नहीं हो रहा फिर मतलब? हाँ विकास यहाँ का नहीं हो रहा है, अभी स्टैंड में स्टैंड बन जाए हम लोगों का रोजगार बढ़ जाए। हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ऑटो वालों का नहीं हो रहा, सबका हो रहा विकास, हम लोगों का नहीं हो रहा। भाई जनता का रुझान कोई बता नहीं सकता कि जनता क्या सोच रही है उसके मन में, बशर्ते क्या है मोदी जी का सदस्य है तो जनता का रुझान वो तो अब वोटिंग के बाद पर मालूम चलेगा कि जनता क्या चाहे। मोदी का गारंटी अपने जगह है लेकिन उम्मीदवार का गारंटी कौन लेगा ना भाई? गारंटी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा गारंटी। अपना मतदान है भाई, उसको वोट डालना भाई, जो कुछ में डालो वोट, कोई दिक्कत नहीं है। बताए बहुत बढ़िया बात, हम वही पूछे कि मोदी जी की गारंटी तो है, कैंडिडेट की गारंटी है क्या? मैं आपको बता दूं कैंडिडेट की गारंटी कि जो आप बात कर रहे हैं। हाँ। आज पिछले मध्यावधि चुनाव के बाद से। हाँ। अभी जो प्रत्याशी है। हाँ। वह तो प्रत्याशी रेगुलर है। हाँ। ठीक है ना, गारंटी तो आपकी भी पता नहीं है, गारंटी तो हमारी भी नहीं है। हाँ। कि कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हाँ। है क्या गारंटी? हाँ। एक चीज़ दूसरा क्या होता है, ये जो चुनाव है। हाँ। ये चुनाव किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव है। अब जैसे आपने अभी कहा कि मोदी की गारंटी क्या है, ये तो आपको भी पता कि मोदी की गारंटी क्या है। वह दिन भी हम देखते थे जब हमारे बॉर्डर पे लात ऐसे सैनिकों की सर में लात मार के उससे फुटबॉल खेली जाती थी। आज की स्थिति वो है जब उसके गढ़ में घुसकर पाकिस्तान को लताड़ा जाता है और वहाँ से अभिनंदन जैसों को वापस लाया जाता है, ये मोदी की गारंटी नहीं है। आज गोली की गिनती नहीं होती, दुश्मन के सीने में होती है, ये मोदी की गारंटी नहीं है क्या? आप विकास की बात करें तो विकास कहाँ नहीं हुआ? बताए ना, यही के लोग कह रहे हैं कि यहाँ विकास ज्यादा स्थिर दिख नहीं रहा है, स्टैंड नहीं है। जिस व्यक्ति ने कहा हो क्या उसको कुटीर नहीं मिली, क्या उसको राशन नहीं मिलता? जिनने आपसे बोला मैं उनसे बोल रहा हूँ सीना ठोक के, बता दे मुझे आज सभी लोग बैठे हैं कितने लोग हैं जिन्हें कुटीरों का लाभ नहीं मिला, कितने लोग हैं जिनके लिए आज राशन नहीं मिल रहा, खाते उसका है और गाते किसका है? दमोह का मोह जो है पूरे के पूरे बीजेपी और नरेंद्र मोदी के साथ दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है और दिखना भी चाहिए, मेरा तो ये कहना है। हाँ। कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ। और मुमकिन चीज़ कोशिश करो तो सारी चीज़ें होती है, और इस बार भी दमोह में ऐसा नहीं है। हाँ। कि लहराएगा झंडा ऐसा कोई। हाँ। दिक्कत नहीं है, पब्लिक है। हाँ। बातों में मत ध्यान दो। हाँ। बीजेपी यानी 100% है, चाहे कुछ भी कोशिश कर लो। हाँ। पर अच्छी बात है, 5 लाख प्लस यहाँ दमोह से 5 लाख प्लस। अरे वाह, विरोध कितना भी हो जाए आप तो देखना 5 लाख प्लस। कांग्रेस से लोग नहीं जान रहे? कांग्रेस उम्मीदवार को कांग्रेस से कोई हम लोग को लेना देना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हम समझते ही नहीं है। कांग्रेस ने कोई अच्छा काम नहीं किया, कुछ नहीं। हाँ नहीं करते। बीजेपी में हर हिसाब की पहचान है। हाँ लेकिन
बेभला है कि जो कोई सामने रहा है इस पार्ट में। हाँ। आज हमारी 49 साल की उम्र है, 49 साल में ना मेरे को कहीं परमिट, ना मेरे पास कोई जायदाद है, ना कोई मकान दिख गया। ये अपनी गलती है कि जो हम टाइम पे नहीं रहे, वो हमारी समस्या है। मतलब कि नहीं मिला कुटीर, कोई दिक्कत नहीं, आवास नहीं मिला, कोई नहीं मिला, सब नहीं मिला, लेकिन अब क्या करें, मजदूरी करते हैं भाई। अब वो जगह पे हमें गलत माने या शासन माने, इसलिए हमें वो सब कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलेगा जैसा चल रहा है। फिर आएगा कौन दमोह में? दमोह में तो बीजेपी ही आएगी। हैं सर, हमारे पास ना आवास है ना कुछ, मतलब मजदूरी कार्ड ना राशन कार्ड कुछ भी नहीं है मेरे पास। हाँ। और मैं 40 साल से बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। इतना प्रेम क्यों भाई? मेरा खानदान शुरू से उसी से चल जुड़ा जा रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? संजय सोनी। संजय सोनी जी, परिपाटी है क्या? मतलब एक खानदान दिए जा रहा है, हम देते जाएंगे? दिए जा रहे हैं, हम नया बाजार नंबर 5 से हैं। कांग्रेस का पता है कौन है उम्मीदवार? कांग्रेस का पता वो अभी कौन से लोधी खड़े हुए भैया, उससे कोई मतलब नहीं हमको, तो नहीं। जिसको हम देते हैं उसी को देते हैं। पार्टी वाले ने बदले जो आदमी, उसको हम वोट देने को तैयार। बाकी जो नहीं गए तो मैं यहाँ रखा उधर करो। ये वार्ड मेंबर से भी बोला था कि भैया मेरा मजदूरी कार्ड बनवा दो, राशन कार्ड बनवा दो, वो 5000 रुपये मांगता है। दमोह में इतना मोह क्यों है लोगों को बीजेपी से और मोदी से और फूल छाप से? नहीं नहीं, बीजेपी से बिल्कुल मोह नहीं है ना, मोदी से वो है। हैं यहाँ पे आप यहाँ पे पूरा ये देख लो। हाँ। आज से 30 साल पहले जो बस स्टैंड दिख रहा था वो आज जो का तो है। हाँ। हैं ये बीजेपी से मोह नहीं है तो फिर कहाँ, तो फिर लोग इसको मुद्दा क्यों नहीं बना रहे? मुद्दा क्यों नहीं बनाते? सब लोग मुद्दा बनाते हैं, हम लोग हर चीज मुद्दा बनाते हैं। लेकिन क्या है कि आज जो भावना बह रही है राष्ट्रवाद और हिंदुवाद की है, लेकिन इन लोगों को ना महंगाई दिखती है, ना बेरोजगारी दिखती है, ना किसानों की समस्या दिखती है, ना महिलाओं की समस्याएं दिखती हैं। सवाल तो देखिए, लोग हमको बता दे रहे हैं कि बस स्टैंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर जब हम पूछ रहे हैं कि इन मुद्दों पर वोटिंग कीजिएगा तो कहते हैं नहीं, देखिए तो राष्ट्रीय चुनाव है, मोदी जी को ही वोट देंगे। ये क्यों सर, ये परिपाटी सही है क्या? नहीं, परिपाटी उस हिसाब से तो सही नहीं है। जब परिवार में जरूरत पड़ती है स्वास्थ्य की, बच्चों की शिक्षा की, खुद के जीवन के लिए रोजगार की, तो धन अपार्जन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। धर्म अपनी जगह है और अर्थ धन अपनी जगह है, तो लोगों को दोनों का पहलू को रखते हुए अगर कोई व्यक्ति अगर मान लो एक्सीडेंटल हो जाए तो वो मंदिर नहीं जाएगा, वो हॉस्पिटल जाएगा। उसके पास हॉस्पिटल के लिए वो व्यवस्था है तो उसका परिवार का बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। वो व्यवस्था बढ़िया, यहाँ हॉस्पिटल सही है दमोह में आपके? नहीं है, मेडिकल कॉलेज ही नहीं बन पाया अभी तक, 10 साल हो गए घोषणा बन। तो अनुशंसा चल रही है? कैसा अनुशंसा चल रही है कि हो जाएगा? अभी हुआ नहीं, अभी तो उसका टेंडर भी नहीं हुआ, वर्किंग भी नहीं हुई चालू। तो आप क्या देख पा रहे हैं सर इन मुद्दों के बीच में से? आप अपने शहर को, आप अपने लोकसभा क्षेत्र को किधर जाते देख पा रहे हैं सर इस बार के चुनाव में? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करके गए हैं यहाँ से, असर है क्या? असर ये है कि 5000 की पब्लिक थी, यहाँ की 5 लाख होना चाहिए। भाई आप लोग गए होंगे कोई तो आप लोग देख लीजिएगा। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है बुंदेलखंड में। लोगों के साथ दोनों राजनीतिक दलों की सरकारें रही, मैं जनता के बीच की बात कर रहा हूँ, तो रोजगार के संदर्भ में एक भी इंडस्ट्रीज माननीय मलैया जी नहीं लगा पाए। 35 साल उन्होंने शासन किया। वर्ष 1989 से लोकसभा क्षेत्र में रामकृष्ण कुसमरिया जी, स्वराज सिंह लोधी जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, एक भी रोजगार नहीं लगा पाए। और दोबारा हमारा बेला ताल भी साफ नहीं हुआ। अब ये बोले कि बेला तालाब जो है उतरते हैं हर बार साफ करने का मुद्दा होता है चुनाव में, मुद्दा बेला तालाब? बेला ताल तो कभी साफ ही नहीं होगा, 10 वर्षों से हो रहा है, यही चल रहा है रेगुलर, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, और सरकार तो ठीक है लेकिन रोजगार की कमी है। ठीक है, सरकार तो ठीक है लेकिन रोजगार की कमी, ऐसे कीजिएगा और का इसे बैलेंस कीजिएगा तराजू पे, क्या करेंगे बताओ? सरकार तो ठीक है लेकिन रोजगार की कमी है और तो कुछ है नहीं। किधर जा रहा है, हवा किधर जा रहा है, एक बताओ ना, थोड़ा हिंट दो ना, हवा किधर जा रहा है? अरे यहाँ बात तो अभी मोदी नाम है बस यार, और क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रैली करके चले गए हैं, लोधी साहब, राहुल लोधी उम्मीदवार हैं यहाँ से, 20 में कांग्रेस छोड़ के आए थे बीजेपी में, माहौल क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को दमोह का? देखिए दमोह का या देश का आप माहौल समझे तो एक ही नारा है, 400 पार। हाँ। वही चल रहा है हर जगह। और मोदी जी ने जो योजनाएं लाए हैं और जो देश में परिवर्तन करा है
चाहे वो बाहरी मुल्क हों या हमारा देश हो, तो जो परिवर्तन उन्होंने करा है तो वो उसका फ़र्क आपको दिख रहा है पूरे देश में। तो ये सब कुछ आम मुद्दे होते हैं कि नहीं होते हैं सर ऐसे चुनाव में? राष्ट्रीय चुनाव हालांकि है लोकसभा का, लेकिन दमोह का कोई अपना मुद्दा है कि नहीं है उस चुनाव में? देखिए, दमोह में मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल जो सेंट्रल से जो मुद्दा तैयार हुआ है वो हिंदुत्व का एक मुद्दा चल रहा है, उसकी वजह से बीजेपी का जीतना लगभग तय है। यहाँ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की अधिकांश सीटों पे जो है हिंदुत्व के मुद्दे के कारण जो है बीजेपी आगे है। तो भारी मोह है बीजेपी के साथ दमोह का, है ना? हाँ। भारी मोह है। विकास समझ में आ रहा है आपको दमोह में? विकास कम है, उतना नहीं है विकास। जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं है दमोह में। नहीं है। इस आधार पर वोटिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, मोदी जी के आधार पर वोटिंग होगी। मोदी जी का आधार, तो मोदी जी को वोट देंगे हम लोग तो। बस सियासत का आलम समझ लीजिए, सीट दर सीट घूम रहे हैं, एक ही नाम हर सीट पर है, उस नाम वो नाम क्या है सर? मोदी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। माहौल है कुछ चुनाव का टाइट की एकदम एक तरफा हो जाएगा? नहीं, एक तरफा नहीं है, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर? कौन है कांग्रेस उम्मीदवार? तरवर सिंह लोधी। चलिए, आपको मालूम है इसलिए कांटे का टक्कर आप बता रहे हैं। क्यों लग रहा है कांटे का टक्कर? महंगाई और भ्रष्टाचार से प्रताड़ित है। महंगाई और भ्रष्टाचार से प्रताड़ित है जनता। जनता जी, टक्कर है कि नहीं है, एक तरफा है कि क्या है, मुद्दा है कि क्या है? एक तरफा राहुल भैया जीत रहे हैं 100%, 99% भी नहीं। ये कांग्रेस की तो जमानत जब्त होगी इस बार, क्योंकि जो मोदी जी ने बिना भेदभाव के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो चाहे वो विरोधी हो, सबका विकास किया है। हम अनुसूचित जाति से आते हैं, जिस वार्ड में हम रहते हैं पूरा वार्ड झुग्गी झोपड़ी था पूरा। आज उस वार्ड को देखिए आप, तो ऐसा लगता है जैसे कॉलोनी हो। हर मजदूरों के पास मोटरसाइकिल हैं, मजदूरी करने मोटरसाइकिल से जा रही, समय साइकिल नहीं थी। जो हमारी समाज है पहले जय भीम और कांग्रेस में बदनाम थी, लेकिन आज मोदी जी के सरकार में सभी लोग, चाहे वो जय भीम वाला हो, चाहे जय मीम वाला हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, सब मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। जय भीम जय मीम सब मोदी जी के साथ, सब मोदी जी का सपोर्ट। किसी को कोई समझाने की जरूरत नहीं है। आज कोई भी ऐसा कोई परेशान नहीं है। अब सब कोई भी सरकार इतना रोजगार तो नहीं दे सकती हर व्यक्ति को, लेकिन इतनी योजनाएं हैं शासन द्वारा दी जा रही हैं, हर व्यक्ति अपना रोजगार चला सकता है और हर आदमी सुखी है। क्या नाम सर आपका? नंदलाल अहरवाल। नंदलाल जी के बात से सहमत है सर आप क्या? अब ऐसा है भैया, वो तो क्या है अपना दमोह में क्या है कि सभी नेता है, यदि कोई नेता अच्छे नहीं आया तो को काम किया होगा? कोई काम करने वाला नेता नहीं है, नेता है बस। अब जैसे नेता हैं, ऊपर से नेता आए, उन्होंने कही यार राहुल सिंह बन गए, जयंत भैया बन गए, उनने कही यार वे बन गए, सबने अपने घर धरो पैसा। दमोह में कोई ऐसा काम ही नहीं करो। अब तुम जब बताओ दमोह में कोई ऐसी धर्मशाला है गरीब की? ऐसी कोई धर्मशाला है गरीब की बताओ? जन्म मोदी जी आए कोई धर्मशाला दे रही है गरीब की? कौन हूँ कि कोई गरीब आदमी दमोह में आ जाए और धर्मशाला में रुक जाए? विकास हुआ है आपके दमोह में? विकास भाव हो तो जो हम कहें हम बताते यार। तो सियासत में इस वक्त हम दमोह में हैं, और दमोह में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं राहुल लोधी साहब, उनके घर पर हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सियासत में और चुनाव में। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा आपसे कि लोग कह रहे हैं और आपके प्रतिद्वंदी भी कह रहे हैं कि भले भाजपा से टिकट मिला हो राहुल जी को, है तो वो कांग्रेसी हैं। कांग्रेस के लोगों के पास विकास को लेके, कांग्रेस के लोगों के पास 1947 में जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष होंगे उसका रोड मैप नहीं है, इसलिए केवल कांग्रेस व्यक्तिगत रूप पर आरोप लगा रही है पिछले एक माह से। सर 2020 में ही आप कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, तो इन दो चार सालों में सर क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस कितना पीछे छूट गई है या फिर आप जो हैं बीजेपी में आने के बाद कितना आगे आ गए सर? मैं विकास की बात को लेके आया था। आज आप यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जाएंगे बरपट्टी में, 350 करोड़ की लागत से अधिक लागत से मेडिकल कॉलेज काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो जो विकास की बात करेगा, चाहे वो पानी की बात हो चाहे स्वास्थ्य की बात हो, वही दमों के जनता के दिलों पे बैठ के राज करेगा या उनकी सेवा करेगा, जो भी हम उसको कह सकते हैं। लोधी समाज जो है
उसकी जनसंख्या, उसका वोट बैंक जो है आपके दमोह लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी प्रबल है। दोनों ही उम्मीदवार सर उसी समाज से आते हैं, टक्कर देख रहे हैं कुछ क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करती है। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा और भाजपा मोदी सरकार 400 पार जब कर लेगी तो मुश्किल से 15 या 20 दिन होंगे और फिर हम कार्यकर्ताओं को कार्य मिल जाएगा। पिछले 40 वर्ष 20 वर्ष आदरणीय रामकृष्ण कुसमारिया जी, 10 वर्ष प्रहलाद जी पटेल भाई साहब, 5 वर्ष शिवराज सिंह जी और 5 वर्ष चंद्रभान सिंह जी को ये 40 वर्ष की यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा सीट में तय की है और आगे की 60 वर्ष की यात्रा भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से तय करेगी। हम जब घूम रहे थे, जनता से बात कर रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि रोजगार को लेकर एक सवाल तो पूछेगा, क्योंकि कांग्रेस ने ही जो एक फैक्ट्री दी है वो अब तक है, यहाँ पर रोजगार के नए अवसर क्यों नहीं बन पा रहे? इतने बड़े बड़े नेताओं को हमने जितवा कर यहाँ से भेजा है, तो रोजगार के अवसर क्यों नहीं है सर? देखिए, अभी प्राथमिकता पर एक बड़ी उपलब्धि आपका बड़ा मलेरा, छतरपुर, देवरी, आपका दमोह, जबेरा, पथेरिया, इन 8 विधानसभाओं क्षेत्र में 2-3 जिलों में जो ग्रामीण अंचल के क्षेत्र आते हैं, इन पे स्वास्थ्य के लिए सीधे आपको जबलपुर भागना पड़ता था। तो प्रारंभिक रूप से इन 5 वर्षों में हमने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जो 1 से 1.5 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप जीत कर जाते हैं सर, तो कौन से ऐसे पहलू हैं जो आपको लगता है कि इन पर काम छूट गया और उसको जीतने के बाद राहुल लोधी साहब सबसे पहले उसको पूरा करेंगे? पहला काम तो हमारा है कि हमारे आराध्य और हमारे जीवन की जिनसे मुख्य धारा चलती है, भगवान जागेश्वरनाथ बानकपुर, उनका भव्य और दिव्य कॉरिडोर बनना है। तो उसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। मेडिकल कॉलेज बन के तैयार होगा, भव्य कॉरिडोर बन के तैयार होगा। बहुत शुक्रिया। तो ये राहुल लोधी साहब थे यहाँ दमोह से, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए। सियासत जारी है, जनता के सवाल जारी हैं और नेताओं के जवाब भी जो हैं आपको हम सियासत में लगातार सुनवा रहे हैं। तो दमोह में सियासत के आखिरी सफर में हम आ गए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी के कार्यालय बंडा में हम मौजूद हैं। बंडा विधानसभा क्षेत्र दमोह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। यहाँ से तरवर सिंह लोधी साहब 2018 में, सर अगर मैं सही हूँ तो आप यहाँ से विधायक भी रहे हैं, 23 में शिकस्त मिल गई थी, लेकिन सवाल वहीं से जुड़ा है। जो चुनाव था 18 का, उसमें आप और राहुल सिंह लोधी साहब साथ घूम रहे थे, आप ही के परिवार से हैं, कट के बीजेपी में चले गए, प्रतिद्वंद्वता कैसी देख रहे हैं आप, टक्कर है कि नहीं है? अगर हम दमोह लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एक तो 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनते आ रहे, और दमोह लोकसभा में क्षेत्र में 8 विधानसभाएं आती हैं, और कहीं ऐसे रोजगार के साधन को लेकर कोई बड़ी फैक्ट्री या कोई बड़ा उद्योग इन 35 वर्षों में जो भाजपा के सांसद रहे उनके द्वारा नहीं खोले गए। यहाँ के युवा बेरोजगार घूम रहे, और सबसे बड़ी बात जो गरीब परिवार हैं उनको मजदूरी तक यहाँ नसीब नहीं हो रही, मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करना पड़ता है। ये जो चुनाव है दमोह लोकसभा क्षेत्र का, ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी के चाल चरित्र का चुनाव है, और इस बार जनता का मन है कि हम कांग्रेस को वोट करें। एक और चीज़ है सर, एक और चीज़ है कि बीजेपी, जैसा आपने कहा, पिछले लगभग 1989 से लेकर अब तक बीजेपी ही दमोह में काबिज रही है, दमोह का मोह कहीं ना कहीं दिखता है भाजपा के साथ, लेकिन इस बार जो है दोनों ही प्रत्याशी नए हैं, आप भी नए हैं, राहुल सिंह लोधी भी नए हैं, और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए दमोह, उनका यहाँ पर जनसभा हो गया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो एज में है, मोदी फैक्टर काम कर जाएगा यहाँ, लग रहा है आपको क्या? देखिए, अभी जो 19 तारीख में मोदी जी की जो सभा भाजपा ने कराई है, उसके पहले भाजपाइयों के द्वारा कहा गया था कि 19 तारीख को दमोह लोकसभा का चुनाव है जो लाख हो जाएगा, लेकिन जो 19 तारीख की सभा हुई है मोदी जी की, वो चुनाव तो लाख नहीं हुआ लेकिन सभा जरूर फ्लॉप हो गई। जहां मोदी जी की सभा में 50,000-1,00,000 के लगभग जनसमुदाय जुड़ता था, वहां 19 तारीख में 5,000 के लगभग
जनता जन समुदाय देखने को मिला। इन मुद्दों के साथ जो है आप जा रहे हैं, मुद्दे और भी हैं क्या? और भी मुद्दे हैं, पानी का भी मुद्दा, पेयजल की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था भी अस्त व्यस्त पड़ी है। कि अगर आप बता रहे हैं इतने मुद्दे आप गिना रहे हैं, तो क्या ऐसा कारण रहा सर कि लगातार 89 से लेकर अब तक सर इतने चुनाव हो गए और कांग्रेस इन मुद्दों को भुना नहीं पाई? सर आप संसद नहीं पहुंच पाए इन मुद्दों को लेकर, कहां चूक रह गई है और किन मसलों पर आप काम कर रहे हैं सर इस बार? ये हो सकता है कहीं हमारी कांग्रेस की चूक हुई हो कार्यकर्ताओं की, और सबका आशीर्वाद मिला। मैं संसद बना तो सबसे पहले इन चीज़ों को संसद में पहुंचाएगा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ तरवर सिंह लोधी साहब, यहाँ दमोह से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के बहुत आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। सियासत में हम आपसे यहीं अलविदा मांगेंगे लोधी साहब के बगल में बैठते हुए, ताकि आपको फिर हम अगले लोकसभा क्षेत्र में लिए जा सकें, सवालों को सुनाएं, जनता के मूड को बताएं और इसी तरीके से नेताओं जी के साथ बैठ के उनको पकड़ के कुछ सवाल जो हैं आपके उनसे पूछे, जवाब तलब करें और आपको दिखाएं। सियासत में मुझे भारत सूरज और मेरे सहयोगी राजा राम को यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार।